नमस्कार, मारा सरमस्तपुर इडू ट्यूटोरियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम 8 पार्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। 8 पार्ट तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये 9th पार्ट है और इसमें जो है कुल 40 क्वेश्चंस है। टोटल 40 क्वेश्चंस है और हर सेट का, हर पार्ट का जो भी हमारा वीडियो क्लासेस होता है वो बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, सभी के लिए फ्री है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमारा नोट्स है, पीडीएफ नोट्स, वो भी फ्री अवेलेबल है, इसका भी कोई चार्ज नहीं है। डाउनलोड आप फ्री कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में वीडियो देख सकते हैं, वीडियो को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और इस चैनल का जो लिंक है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक यह पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई कर सके और लाभ उठा सके। देखिए, हर सुबह में जो है 6 बजे हमारा ये क्लासेस आ जाती है, आप इस चैनल पर आकर के देख सकते हैं और लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं, वीडियो क्लासेस भी देख सकते हैं, ट्यूटोरियल देख सकते हैं और हमारा जो PDF है वो इसका अवेलेबल है। और देखते हैं आज का हम आगे का क्वेश्चन। कल के क्विज में पूछा गया प्रश्न है जिसका उत्तर कहा गया था कमेंट बॉक्स में देने के लिए। क्वेश्चन था लॉन्ग सॉन्ग और पोयम, लंबी गीत या कविता। बहुतों ने सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया है, उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आज देखिए वो सही उत्तर है बालाड। अब आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका था और आज के सेशन में 111 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द 111 नंबर क्वेश्चन? जेनरोसिटी इन हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करने में जो उदारता दिखाए, उसके लिए वन वर्ड क्या होगा? उसके लिए वन वर्ड है बेनेडिक्शन। उसके लिए वन वर्ड है बेनेडिक्शन नहीं सॉरी वेनेवोलेंस। वेनेवोलेंस जो है सही आंसर है। जेनरोसिटी इन हेल्पिंग अदर्स, जो दूसरों को मदद करने में उदारता दिखाए, उसके लिए सही आंसर है हमारा वेनेवोलेंस। आप स्पेलिंग देख लीजिए ध्यान से, VENEVOLENCE, वेनेवोलेंस। आप सुनिए भी ध्यान से और देखिए भी ध्यान से, नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए और नोट डाउन करते चलिए क्योंकि आपको पूरी लगन से पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 112 नंबर, प्रश्न संख्या 112 क्या है? ए प्रेयर आस्किंग फॉर डिवाइन ब्लेसिंग, माना मंगल कामना करना, प्रार्थना करना, उसके लिए वन वर्ड क्या आता है? हमारा राइट आंसर है 112 नंबर क्वेश्चन का बेनेडिक्शन। हमारा क्या आंसर है? बेनेडिक्शन, BENEDICTION, बेनेडिक्शन इज द आवर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 112। चलो प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। नेशंस एंगेज्ड इन वार, राष्ट्र युद्ध में लगा हुआ हो तो उसके लिए वन वर्ड क्या आएगा? हमारा सही उत्तर क्या होगा उसके लिए? बेलीगरेंट्स। क्या हमारा सही आंसर है? बेलीगरेंट्स, BELLIGERENTS, बेलीगरेंट्स। ध्यान से सुनिएगा स्पेलिंग और देखिए भी और लिखते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, वन हु इज रेडी टू स्टार्ट आर्गुमेंट और फाइट। यहाँ पर फाइट होगा FIGHT, फाइट, माना जो बहस करने के लिए और लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए वन वर्ड क्या यूज़ करेंगे हम लोग? तो उसके लिए वन वर्ड है, बहुत बढ़िया वन वर्ड है, उसके लिए एक स्पेशल वर्ड आता है यहाँ पर है बेलिकोस। इसके लिए सही उत्तर क्या है? बेलिकोस, बेलिकोस जो है हमारा राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। टू कट ऑफ द हेड, किसी का सर कलम करना, इसके लिए हमारा वन वर्ड क्या है? टू कट ऑफ द हेड, वन वर्ड। व्हाट इज द वन वर्ड फॉर द टू कट ऑफ द हेड? आवर राइट आंसर इज बिगाइल। व्हाट इज आवर राइट आंसर? बिगाइल, BEGUILE, बिगाइल इज आवर राइट आंसर। सॉरी,
आप देखिए, बिगाइल राइट आंसर नहीं है। बिगाइल का मतलब होता है किसी को आकर्षित करके धोखा देना, तो यहाँ पर बिगाइल नहीं होगा। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, जो है यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोबारा, टू कट ऑफ द हेड के लिए हमारा आंसर है बी हेड, माना सर कलम करना। बिगाइल मतलब होता है टू डिसीव समवन, माना क्या करना, किसी को आकर्षित करके धोखा देना। चलो देखते हैं क्वेश्चन संख्या, प्रश्न संख्या 116, टू डिसीव समवन, इसका मीनिंग होता है बिगाइल, बी यू जी आई एल ई। बिगाइल मीन्स टू डिसीव समवन, किसी को आकर्षित करके धोखा देना, डेट इज द बिगाइल। मीन्स बिगाइल इज द वन वर्ड फॉर द टू फॉर द सेंटेंस टू डिसीव समवन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 117, ए प्लेस वेयर सोल्जर्स लीव, जहाँ पर सैनिक रहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह के लिए हम कौन सा वन वर्ड यूज़ करेंगे। हमारा वन वर्ड हो जाएगा बैरक, बी ए डबल आर ए सी के। बैरक इज द वन वर्ड फॉर अ सेंटेंस ए प्लेस वेयर सोल्जर्स लीव। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 118 प्रश्न संख्या देखते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स एटमोस्फेयरिक प्रेशर, माना वायु का दाब मापने वाला यंत्र जो होता है, उस यंत्र का क्या नाम है। तो उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वन वर्ड उसके लिए है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है, वायु का प्रेशर नापता है, दाब मापता है, उस यंत्र को हम लोग कहते हैं बैरोमीटर। चलो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 119 नंबर प्रश्न क्या है, एन आर्टिस्टिक डांस फॉर्म परफॉर्म्ड टू म्यूजिक यूजिंग प्रिसाइज एंड हाईली फॉर्मलाइज्ड सेट स्टेप्स, माना नृत्य नाटिका से संबंधित जो है उसके लिए हमारा वन वर्ड क्या आएगा। हमारा आंसर है यहाँ पर बैलेट, बी ए डबल एल ई टी, बैलेट। बैलेट इज अवर राइट आंसर। लेट सी द क्वेश्चन नंबर 120 नंबर प्रश्न क्या है, ए मैन हु इज नॉट एंड हैज नेवर बीन मैरिड, इट मीन्स वन हु इज अनमैरिड, व्हाट इज द आंसर। बैचलर, बी ए सी एच ई एल ओ आर, बैचलर इज अवर राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 120। ओके, लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 121। What is 121 number question? An imaginary line around which the earth rotates, माना एक काल्पनिक रेखा जिसके चारों तरफ जो है धरती घूमती है, क्योंकि exact कोई line नहीं होती है जहाँ पर धरती घूमती है अपने कक्ष पर, वहाँ पर कोई रेखा नहीं रहती है, वह केवल एक कल्पना कर सकते हम, इसलिए उसको बोलते हैं imaginary line। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर है एक्सिस, क्योंकि एक्सिस जो है वह एक धुरी है, एक लाइन है जहाँ पर धरती जो है घूमती है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, और उस लाइन को कहा जाता है एक्सिस। चलो प्रश्न संख्या 122 देखते हैं, स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन ऑफ ट्रूथ, इसके लिए वन वर्ड क्या आएगा। माना सबसे पहले इसका अर्थ समझो क्या है, स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन ऑफ ट्रूथ, माना सत्य अथवा मान्य कथन है, तो इसके लिए हमारा वन वर्ड आएगा, बहुत बढ़िया वर्ड है इसके लिए, एक्सियम, एक्सिम। तो हमारा है स्पेलिंग फिर से देखना, ए एक्स आई ओ एम, एक्सियम। चलो आप लिखते चलना, नोट करते चलना। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 123 नंबर प्रश्न संख्या में क्या है प्रश्न, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, माना वैसी जगह जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, तो जब पक्षियों को रखा जाता है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम वन वर्ड के रूप में। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया एक वर्ड आता है पक्षियों को रखने के लिए, अवियरी। अवियरी इज द वर्ड, मीन्स इसका मतलब होता है जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। चलो 124 नंबर प्रश्न देखो, वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, जो धन के लिए लालची हो, तो जो लालची होता है धन के लिए उसको हम वन वर्ड में क्या यूज़ करते हैं, अवा
उसके लिए वन वर्ड हमारा है अवारीसियस। बहुत बढ़िया वर्ड है, ए वी ए, यहाँ पर इसको देखो मैं लिखता हूँ, इसका अवारीसियस, ए वी ए आर आई ओ आर आई सी आई ओ यू एस, ओ यू एस, फिर से चेक कर लो, ए वी ए आर आई सी आई ओ यू एस, अवारीसियस, ये राइट आंसर है। चलो 125 नंबर प्रश्न देखो, न्यू एंड अनयूजुअल और एक्सपेरिमेंटल आइडियाज स्पेशली इन द आर्ट्स और द पीपल इंट्रोड्यूसिंग देम, इसका सही उत्तर क्या है कि जो नए तरीकों के प्रयोग में निपुण हो, माना कोई भी नया नया प्रयोग करते रहता है, न्यू एंड अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट, नया नया प्रयोग करते रहता है और उसमें निपुण भी है, उस कला में प्रयोग करने की कला में वह निपुण भी है, स्पेशली इन द आर्ट्स और द पीपल इंट्रोड्यूसिंग देम, इसलिए ऐसों के लिए वन वर्ड क्या आएगा, तो वन वर्ड बहुत बढ़िया वाला एक वर्ड है अवांट गार्ड, जी आर डी, अवांट गार्ड, ये हमारा वन वर्ड है यहाँ पर। चलो अगला प्रश्न, 126 नंबर क्वेश्चन, एग्जामिनेशंस ऑफ द डेड बॉडी, माना मृत शरीर का जो जांच होता है, तो उसके लिए वन वर्ड हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए वन वर्ड है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी बहुत बढ़िया वर्ड है, मृत शरीर का परीक्षण करना। चलो 127 नंबर प्रश्न, ए कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, माना खुद पर शासन करना, जो स्वयं पर शासन करता है उसके लिए वर्ड आता है ऑटोनोमी। क्या आता है, ऑटोनोमी, ऑटो ऑटोनोमी। 128 नंबर प्रश्न, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जीवन कथा जो खुद के द्वारा लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं, ऑटो बायोग्राफी, ऑटो बायोग्राफी, माना आत्मकथा या जीवनी। 129 नंबर प्रश्न, ए बिल्डिंग वेयर एंड ऑडियंस सीट्स, जिस बिल्डिंग में ऑडियंस माना दर्शकगण या श्रोतागण बैठते हैं, उस बिल्डिंग के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, वहाँ पर बहुत बढ़िया एक वर्ड आता है, वर्ड यूज़ करते हैं हम ऑडिटोरियम, क्या यूज़ करते हैं, ऑडिटोरियम। चलो 130 नंबर प्रश्न, ए पर्सन हु कंडक्ट्स एन ऑफिशियल इंस्पेक्शंस ऑफ अ कंपनीज अकाउंट, ये देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है ये, किसी कंपनी के खाता बही का जांच करने वाला, इसके लिए एक ऑडिट ऑफिसर भी पोस्ट भी है, एसएससी सीजीएल के थ्रू वैकेंसीज में सब जाते हैं, तो यहाँ पर देख लो कौन सा वर्ड आएगा इसके लिए है ऑडिट, ऑडिट करने के लिए पोस्ट है ना, तो ऑडिट करने के लिए जो पोस्ट है, तो जो उसको ऑडिट करता है उसको क्या कहते हैं, ऑडिटर। तो चलो यहाँ पर 130 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया हमारा। वेल स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 131, ए पर्सन हु कंडक्ट्स ऑक्शन, जो नीलाम करता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्शनीर, क्या कहते हैं उसको, ऑक्शनीर। 132 नंबर प्रश्न, शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क, तो इसके लिए हम लोग वन वर्ड क्या यूज करेंगे, वन वर्ड है हमारा बहुत बढ़िया है ऑडेसियस, ऑडेसियस। चलो 133 नंबर प्रश्न, ए स्पेस और रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, जस्ट बिलो द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, किसी भी कमरा में छत के नीचे का जो खाली स्पेस रहता है उसको क्या कहते हैं, एटिक, जिसका मतलब होता है अटारी। चलो 134 नंबर क्वेश्चन, ए रिंग शेप्ड आइलैंड ऑफ कोरल, क्या है क्वेश्चन, फिर से सुनो, ए रिंग शेप्ड ऑफ आइलैंड कोरल, यहाँ पर वन वर्ड क्या आएगा, वन वर्ड इसके लिए आएगा
एटोल, ATOLL, एटोल क्या है फिर से देखो, ATOLL, अटोल। नाउ क्वेश्चन नंबर 135, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है उसके लिए क्या आएगा, अथीस्ट, ATHEIST, अथीस्ट, इसके लिए कौन सा वर्ड आता है, अथीस्ट, ATHEIST, अथीस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड सेफ्टी, क्या है ए प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड सेफ्टी, शरण और सुरक्षा स्थल, इसके लिए वन वर्ड क्या यूज करते हैं, एसलम, ASYLUM। नाउ द क्वेश्चन नंबर 137, एन एक्सपर्ट इन द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी कंसर्न्ड विथ द फिजिकल नेचर ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, जो तारों एवं ग्रहों का अध्ययन करने वाला है अर्थात उसका विशेषज्ञ है, इसके लिए वन वर्ड क्या यूज करते हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ASTROPHYSICIST, एस्ट्रोफिजिसिस्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 138, शोइंग ग्रेट केयर एंड परसेवरेंस, इसका मतलब मेहनत एवं ध्यान से काम करने वाला, तो इसके लिए क्या वर्ड आएगा, एसीडुअस, एसीडुअस हमारा राइट आंसर है। चलो प्रश्न संख्या देखते हैं 139, वन हु एक्सप्रेसेस वंस ओपिनियन फॉर्मली बट पोलाइटली, कोई जो है अपनी बात बड़ी ही मजबूती पूर्वक लेकिन विनम्रता पूर्वक रखता है, मजबूती के साथ परंतु विनम्रता के विनम्रता भी उसके साथ है, तो मना विनम्रता पूर्वक और मजबूती से रखता है अपनी बात, तो उसके लिए वन वर्ड क्या आता है, असर्टिव, असर्टिव, ध्यान से सुनना, वन हु एक्सप्रेसेस वंस ओपिनियन फॉर्मली बट पोलाइटली, कोई जो है अपनी बात को मजबूती से परंतु विनम्र होकर के रखता है, अपना पक्ष रखता है, उसको कहते हैं असर्टिव, वन वर्ड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 140, टू एग्री टू समथिंग, माना सहमत हो जाना, तो सहमत होने के लिए हमारा आंसर है ASENT, असेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, ए पर्सन हु मर्डर्स बिग पॉलिटिकल पर्सनालिटी, राजनैतिक कातिल, जो है उसके लिए वन वर्ड क्या आता है, उसके लिए वन वर्ड है असासीन। चलो प्रश्न संख्या 142, ए कंडीशन लैकिंग ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी हो तो स्वाभाविक है दम तो घुटेगा ही, तो इसके लिए वन वर्ड क्या आता है, इसके लिए वन वर्ड बहुत बढ़िया है, यहाँ पर देखो एस्फिक्सिएशन। चलो 143 नंबर प्रश्न, एन एटीट्यूड ऑफ सस्पिशन एंड डिसअप्रूवल, मना संदेह एवं अस्वीकार करने की स्थिति, उसके लिए वन वर्ड है आस्केंस। नाउ 144 नंबर क्वेश्चन, ए रिलीजियस पर्सन विथ ए स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ, एक धार्मिक व्यक्ति जो अपना जीवन बड़ा ही नियम पूर्वक बिताता है, उसके लिए कौन सा एक वर्ड है, उसके लिए वर्ड है एसेटिक, माना सन्यासी। चलो 145 नंबर क्वेश्चन, एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड, माना जो कुशल कारीगर है, कोई भी वर्क दो से फटाफट कर लेता है, अपने कारीगरी में वह बहुत ही होशियार है, तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं आर्टिसन, आर्टिसन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 146 नंबर क्वेश्चन, क्लेवर और स्किलफुल स्पेशली इन ए क्राफ्टी और कनिंग वे, किसी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया वर्ड है, इसके लिए वन वर्ड के रूप में, तो सबसे पहले देखो कोई धूर्त है, बड़ा ही चालाक है, तो यहाँ पर क्राफ्टी है, कनिंग वे है, तो
तो बहुत बढ़िया, एक स्किलफुल भी है वो, या क्लेवर है, स्किलफुल स्पेशली ने क्राफ्टी और कनिंग वे माना धूर्त चला कह लो उसको। तो यहाँ पर हमारा है आर्टफुल, फिर से देख लो, ARTFUL, आर्टफुल। क्वेश्चन नंबर 147 मीन्स 147, ए पर्सन हु कमिट्स द क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, व्हाट इज द वन वर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, वन वर्ड, व्हाट इज द वन वर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 147, आर्सनिस्ट, जो दूसरों की संपत्ति को ध्वंस करता है, ठीक है, दूसरों की संपत्ति को ध्वंस करने वाला जो है उसके लिए वन वर्ड क्या आएगा, आर्सोनिस्ट। 148 नंबर क्वेश्चन, बी डिप्राइव्ड ऑफ अ क्लोज रिलेशन और फ्रेंड थ्रू देयर डेथ, इसके लिए वन वर्ड आता है बिरीव, माना दूसरों कोई नजदीकी संबंधी जो है उसकी मृत्यु पर हम डिप्रीव्ड हो जाते हैं, डिप्राइव्ड हो जाते हैं, तो इसके लिए वन वर्ड है ब्रीव। देख लो ध्यान से, फिर से स्पेलिंग BERREAVE। क्वेश्चन नंबर 149, टू बी डिसलॉयल टू समवन हु ट्रस्ट यू, किसी से विश्वासघात करना, जो आप पर विश्वास किया है उसी से आप विश्वासघात करते हो तो कहलाता है टू बी डिसलॉयल टू समवन हु ट्रस्ट यू। द वन वर्ड क्या आएगा, वन वर्ड यहाँ पर आएगा बीट्रे, मीन्स विश्वासघात करना। क्वेश्चन नंबर 150, 150 नंबर प्रश्न देखो, ए ग्रुप ऑफ पीपल एट ए प्लेस, किसी भी जगह पर लोगों का जो समूह है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेवी, बेवी इज द राइट आंसर। चलो देखते हैं आज, क्योंकि इसका प्रश्न क्विज ऑफ द डे, कितना बढ़िया प्रश्न है, सडन एंड वायोलेंट चेंज, माना सडन, सडन का मतलब होता है अचानक, वायोलेंट का मतलब होता है विध्वंसक, तो कैसा, चेंज का मतलब होता है परिवर्तन, तो अब बताओ कैसा, सडन एंड वायोलेंट चेंज माना अचानक एवं विध्वंसक बदलाव जब हो तो इसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे, मैं बता दूं, नहीं, आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर लिखना है, फिर अगले दिन जो है मैं इस पर डिस्कस करूंगा, तब तक के